मुझे उठाओ ताकि मेन थ्रस्टर्स में एडजस्टमेंट कर सकूं और हम निकलने के लिए तैयार हो जाएं। इसे थोड़े टीएलसी की जरूरत है ताकि अटलांटिक पार करने में हमें मजा आ जाए। बेन, मुझे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर दो, एक हैमर भी दो, 716 सॉकेट रेंच, यह भी सही है। और क्या उम्मीद करेंगे, 716 वाला समझ नहीं आया। कैसा चल रहा है? क्या यूरोप जाना सच में जरूरी है? क्या वहाँ पर मिल्कशेक्स होंगे? और वीडियो गेम्स का क्या? मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। लगता है किसी को घर याद आ रहा है, जबकि हम घर से निकले भी नहीं है। ऐसा करते हैं, मैंने रास्ते में एक बिगी बॉक्स देखा, तो जब तक काम पूरा नहीं होता तुम दोनों उस दुकान में जाकर देखो हमारी ट्रिप के लिए कोई सामान लेना रह तो नहीं गया। ओ हाँ, कुछ बैकअप सुमो स्लैमर्स ले लेता हूँ, क्या पता यूरोप में खिलौने हैं या नहीं। इसी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना है, सॉकेट रेंचेस के बारे में भी। तुम अमेरिका छोड़ने के बारे में ज्यादा ही सोच रहे हो, लेकिन कुछ नया देखने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा बेन। मेरी पसंद की हर चीज यहाँ है, जैसे पानी और पेड़, और वो भी। ये है वो अमेरिका जिसे मैं मिस करूंगा। खुशबू आ रही है, वो है घर की खुशबू। जरूरत पड़ी तो मैं स्टडी में मिलूंगा, मेरा मतलब है सुमो स्लैमर्स की जगह। जानती हूँ। सही। ओ ग्वेन, तुम एक काट ले आओगी? नामुमकिन। क्या उस लड़के ने? कोई बच्चा नहीं है, वो केविन है। केविन की वजह से मैंने फोर्थ ग्रेड में 3 महीनों से लंच नहीं किया। उसी की वजह से मैं पब्लिक बाथरूम से बेवजह डरने लगा। वो मुझसे 1 ग्रेड आगे था, मुझे नीचा दिखाने का वो एक मौका नहीं छोड़ता। हॉल्स में वो लंच के वक्त लाइब्रेरी में या बाथरूम जाते वक्त। आओ। बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये बताओ वो यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं, लेकिन इस बार उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मुझे सच में नहीं। थोड़ा रुक जाओ। लेते रहो जिंदगी के मजे। लगता है अब इसे इसी की भाषा में समझाना होगा। Hey, केव, अब दिखाओ तुम्हें कितना दम है। बहुत ज्यादा उछल रहे थे ना? वेल, क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्त, काफी वक्त हो गया था। अच्छे दिख रहे हो इस डिजाइनर कपड़े में। तुम्हारे पास भी ओमेट्रिक्स है? Cool. ये चीज मजे के लिए बनाई थी, चलो मस्ती करें। ओ कम ऑन मोटे मुर्गे, या तुम जो भी हो। नाम है स्टिंग फ्लाई। क्या सच में स्टिंग फ्लाई? तुम्हें सूट करता है। शायद मुझे खुद को उल्टी फ्लाई कहना चाहिए। वाह, ये वाला काफी अच्छा था। मेरी बारी। वो तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे पास ये ओमनीट्रिक्स कब से है? क्योंकि शायद तुम्हारी प्रैक्टिस छूट गई है। ओके, मानता हूँ ज्यादा वक्त नहीं हुआ। दरअसल कुछ रात पहले मुझे अजीब सा सपना आया था। उसने मुझे जो दिखाया वो लिखना पड़ा। उसमें थे प्लान्स, डिजाइन्स, ब्लूप्रिंट्स। मुझे तो इसे बनाना ही था। मुझे पता नहीं था ये क्या करता है, लेकिन समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और कुछ छोटे मोटे बदलावों के बाद मुझे एक कमाल की चीज मिली।
छोटे मोटे बदलाव से आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? चलो खुद ही देख लो। अच्छा ऐसा क्या? आपको यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे बदलाव में थोड़ी गड़बड़ है केविन। जो भी हो मेरे लिए वो सपना मायने नहीं रखता। कुछ ही वक्त में अपग्रेड की आदत पड़ जाएगी। जाना होगा। अरे नहीं, लगता है छोटे मोटे बदलाव की जरूरत इसे है। ओ, क्या किसी के पावर्स फुर हो गए? बेन, तुम दुकान बर्बाद कर रहे हो। मैं बर्बादी नहीं कर रहा, ओमनीट्रिक्स के रिचार्ज होने का इंतजार कर रहा हूँ। उसे यहाँ से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तुम यहाँ हो टेनिसन, अब चलो हम असली मजा करते हैं। अब मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। छुपने के लिए मुझे एक जगह ढूंढनी होगी। ये ठीक रहेगा। शायद तुम सोच रही हो, हे ये तो नया है। वाह, ये तो शानदार है। मैं इसे कहूंगा जाइगेंटिक गेको। नहीं, ये खास नहीं है। इगुआना मॉन्स्टर? नहीं, इसमें भी दम नहीं है। शेर सिंह, शायद सबसे महान रक्षक। ह्यूमंगसोर। ये सही रहेगा। थैंक्स बच्ची। इसे समझने में काफी वक्त जाएगा। इसे तुम? बढ़िया, पूछ तो काम आ रही है। कहाँ चला गया वो? बाहर आओ केव, कहाँ छिपे बैठे हो? बच सको तो बच लो। सफाई सफाई करनी है आइल्स 14, 15, 16, 17 में और आइल्स 22, 23 और 24 में। फिर एक बार तैयार हो बच्चे। बेन, नहीं कर रही नौकरी। अगर मैं नीचे गया तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये क्या, इतनी जल्दी नहीं जोकर। छोड़ दो मुझे। टाइम आउट मत होना इस वक्त, बिल्कुल नहीं। टाइम आउट होने से पहले इसे हराना होगा। बेन, उसे टाइम आउट होने दो। पर बिना मेरे पावर्स के इसे हराऊंगा कैसे? यकीन मानो, इसे हराने का यही तरीका है। कम ऑन लूजर, अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। पर मुझे नहीं करने मजे। चलो बच्चों, हमें चलना चाहिए। सारी चीजें ले ली? हाँ।
अगला स्टॉप यूरोप। तुम इसके लिए तैयार हो बेन? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि केविन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बढ़िया है, मुझे टेनिसन से भी बेहतर कैंडिडेट मिल गया है।